नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा इसको खाने का। मुझे लगता है मुझे ना इतना डर कभी नहीं लगा। बस ऐसे करके हमने इसका छिलका उतार लेना पीछे से, जैसे तैसे करके मैंने उठा लिया हुआ। मैं ये होता असली स्वाद। हेलो बूढ़ी, आपका बूढ़ी वीर है। गाइस हमेशा की तरह हम लेके आ गए कुछ विश्वसनीय। तो गाइस अपना जमाना आ गया इंस्टाग्राम शॉर्ट्स और यूट्यूब रील्स का। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का, और यहाँ पे अच्छे कंटेंट के साथ साथ बनाया जाता है बहुत ही ज्यादा बवासीर कंटेंट। और इसी बवासीर कंटेंट से हम इंस्पायर होके आज हम बनाने लगे हैं बवासीर वीडियो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बवासीर वीडियो नहीं होने वाली, बहुत मजेदार होने वाली है। तो गाइस जब भी हम ऐसे वायरल फूड वीडियोस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते हैं ना, मेरे दिमाग में तो हमेशा ख्याल आता है क्या ये वीडियो देखने में ही बवासीर है और सच्ची में उसका टेस्ट कैसा होगा। सच में मेरे भी ये डाउट आता है। अच्छी सारी हो सकता है कि देखने में चीज बुरी लग रही हो बट खाने में डिलीशियस हो, वही आज हम करेंगे फाइंड आउट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं वीडियो को शुरू। जिसने भी बनाई है ये रेसिपी उसके गले में डाल दो जूतों की माला। किसने बना दिया है चावल को काला? इस बंदे ने चावलों में ओरियो डाल दिए। तो बोला जाता है असली बवासीर रेसिपी। वैसे तो गंदी ही होने वाली है बट 0.00000000001% चांस हम लेंगे, क्या पता अच्छी हो। देखो भाई पहले हमने इसमें डालना है तेल, क्योंकि फ्राइड राइस बन रहे हैं, नॉर्मल राइस नहीं बन रहे। हमने ओरियो तलने पहले, समझ रही है? तूने ओरियो के पकोड़े देखे होंगे, ओरियो वाले चावल पहली बार बना रहा हूँ मैं। देखने भी नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है काले चावल देखने। सारे के सारे डलेंगे। ओ तेल तो गरम होने देता। ओ शिट, बताना चाहिए ना मतलब गंदी रेसिपी को और गंदा कैसे बनाया जाए, इसकी क्लासेस देते हैं आदित्य गौतम। यस। ओए होए क्या खुशबू आ रही है मुक्ति। यहाँ तक रेसिपी फिर भी ठीक है, इसके बाद जो होने वाला वो होगा डिजास्टर। इसमें हम डालेंगे चावल। देखो गाइस इसमें मुझे कोई हेट नहीं मिलना चाहिए, मैं एग्जैक्ट रेसिपी जो इंस्टाग्राम पे थी उसको कॉपी करके बना रहा हूँ। मेरे को मत बोलना कि मैंने बवासीर रेसिपी बनाई है, मैं बवासीर रेसिपी को कॉपी कर रहा हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी गाजर, फाइबर रिच बनानी, फाइबर रिच क्योंकि ओरियो अनहेल्दी है ना, तो कुछ तो हेल्दी डालना पड़ेगा। थोड़ा सा नमक, नमक उसने डाला मैंने भी डाल दिया, और थोड़ी सी सोया सॉस। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। खाने के बाद वैसे भी मुझे लगता है नहीं तू बच पाएगी। क्या रंगत आई है। तो फाइनली बन गए हमारे ओरियो फ्राइड राइस। जल्दी से इसकी सुंदर सी प्लेटिंग करते हैं और एक बार टेस्ट करके देखते हैं। बिल्कुल नहीं पसंद आया। देखने में सच्ची बोलूं ये चीज बुरी नहीं लग रही है, परंतु हाँ। हमें पता है इसके अंदर क्या क्या गया है। भाई नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा इसको खाने का। मुझे लगता है मुझे ना इतना डर कभी नहीं लगा किसी खाने वाली चीज को देख के जितना मुझे इसको देख के लग रहा है। वो अकेली नहीं है मुक्ति, मुझे भी डर लग रहा है। ट्राई करते हैं क्या पता अच्छा ही हो। तू खा के बता दियो अगर ट्राई तो सबको करना पड़ेगा। देखो क्या कुछ करना पड़ रहा है आज हमें, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। खाली मैंने यार तभी तो बोला नहीं जा रहा मेरे से कुछ। मैंने ना बिल्कुल मिनिमल टाइम के लिए गैस ऑन करी थी, ओरियो फिर भी जल गए, तो मुझे लगता नहीं ये प्रैक्टिकल किसी भी तरह से। मीठा फ्लेवर नहीं आ रहा इसमें। हाँ जितनी भी ये फास्ट फूड चीजें होती है ना, जैसे ओरियो हो गए, कोका कोला हो गया, इनमें सॉल्ट भी डलता है। हाँ। मेरे ख्याल से वो बिस्किट जो है सड़ चुके हुए हैं, इसकी वजह से कौड़ा फ्लेवर आ रहा है, मीठा नहीं आ रहा है। और इसको कभी भी ट्राई मत करना, ना कभी सोचना इसके बारे में। भूल जाओ कुछ ऐसा था। जीरो दो नंबर कैसे दे दिए तूने, माइनस दो। थोड़ी ऑड वियर्ड रेसिपी जरा ट्राई करते हैं, इससे तो भाई ये बेकार है आज पाप। थर्ड क्लास। वीडियो में रुकावट के लिए खेद, बट आपको दे रही है बहुत ही ज्यादा जरूरी सूचना। आपको हमने बताना है इस हफ्ते के सब्सक्राइबर ऑफ द वीक। पहले सब्सक्राइबर ऑफ द वीक है आस्था गुप्ता, दूसरे है आशिमा बत्रा, एंड तीसरे है ध्रुव नागर। अगर आप बनना चाहते हैं सब्सक्राइबर ऑफ द वीक, देन कमेंट करके बताएं कि आपने अब तक सबसे अजीबोगरीब यानी कि वियर्ड चीज अपनी लाइफ में कौन सी खाई है। देखो ये अब जो चीज मैं बनाने चाह रहा हूँ उसमें होने जा रहा है मैगी के साथ अत्याचार, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा वियर्ड रेसिपीज में अत्याचार मैगी के साथ ही होता है। मैगी एक ऐसी चीज है आपके बुरे वक्त में आपके साथ होती है। मैगी जब आपको कोई खाना नहीं दे रहा होता अब मैगी बना के खा लेते, जब आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा होता मैगी आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। कभी आप पहाड़ों में चले जाओ कुछ नहीं मिलेगा, मैगी मिलेगी। तो बोल लो वो मुझे लग रहा है जो ओरियो खाए ना हमने जले हुए उससे थोड़ा सा दिमाग पे इफेक्ट पड़ चुका है। हम बनाने जा रहे हैं सुपर चीजी मैगी जिसमें चीज का कोई इस्तेमाल नहीं है। ये कुरकुरे के पॉपकॉर्न है चीज फ्लेवर वाले।
सबसे पहले तो देखो आपने अपना चूल्हा जो है वो जला लेना, ठंडे चूल्हे पे बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं तो कह रहा हूँ वैसे भी बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। क्या बात करते हैं यार, ये पैकेट जो है ना फाड़ के डालना है, ऐसे ही मत डाल देना, देखो सारे मत डालना, थोड़े बहुत डाल दो। अब आपको बताने जा रहा हूँ ये किराए पे पानी फेरना किसे कहते हैं। देखो ये किराए पे पानी फेर दो, इसको ऐसे ऐसे हिलाना है। सारा जो है ना ये पॉपकॉर्न पूरा मैश कर देना। कर क्या रहे हैं, ये जो चीज वाले चिप्स है उसका चीज बाहर निकाल रहे हैं। बहुत ही आसानी से इस चीज का सारा चीज निकल गया हुआ है। यार ये जो पॉपकॉर्न होते हैं ना वैसे भी माउथ में मेल्ट हो जाते हैं, पानी में तो आराम से हो ही जाने, और वो भी गर्म पानी में। हाँ, वो भी गर्म पानी। ताम झाम जो है वो रेडी हो गया हुआ है, इसके अंदर जाएगी मैगी। ओए होए होए बेचारी जा, तुझे सूखी मैगी मिले, और इसके ऊपर मैगी का मसाला भी जाएगा। ये मेरे से नहीं देखा जा रहा, नहीं देखा जा रहा, बस देख फिर आके बंद कर ले। ओह चुटकी बात। तो जी जालमो की तरह मैगी का मर्डर जो है वो हमने अच्छे से कर दिया हुआ है, हमारी मैगी बस तैयार होने वाली है। ये स्वाद बनेगी हैं? ये इंसान जिससे मैगी का अत्याचार नहीं देखा जाता वो इसके तमाशे में खुश हो रहा है। डिश ओवरऑल स्वाद बनेगी ना। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं करते तो अत्याचार ही है, बाद में स्वाद से खाते हैं ना चीज। देखो वेजिटेरियन क्या बातें कर रहा है, तुझे क्या पता नॉनवेज स्वाद होता है या नहीं। नहीं 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 यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ओए होए 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 होए, मैं बोलना नहीं चाह रहा पर मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी की तबीयत ठीक नहीं थी और उसने मैगी खाई थी, वो निकाल दी हुई है। पहले मुझे लगा था पता नहीं कैसा बनेगा, बट शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि शायद टेस्ट नहीं। ये मुझे लग रहा है अच्छा, एकदम से स्टिकी स्टिकी से हो गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। नमक ज्यादा हो गया है पॉपकॉर्न की वजह से मुझे लगा, इतना ज्यादा स्टिकी है ना, इतना गुई है, ऐसे लग रहा है इसके अंदर पॉपकॉर्न नहीं डाले हैं, इसके अंदर फेविकॉल डाल दी हुई है। पॉपकॉर्न के ऊपर पाउडर वाला चीज डलता है ना, वैसा टेस्ट आ रहा है। इसकी इनोवेशन पता कैसे हुई है मैं बताता हूँ। अच्छा नहीं, एक इंसान था उसने बनाई थी चीज मैगी, चीज थी महंगी, उसने बोला भाई सस्ते में कैसे बनाऊ, उसने 20 रुपए के पॉपकॉर्न के साथ ये अत्याचार बनाया। मतलब इतना अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मजा। मैं एक वो चीज बोलूंगा, अगर आपका चीजी मैगी खाने का मन कर रहा है ना, थोड़े से पैसे जोड़ लो, चीज ले आना, मैगी में वो डाल लेना। ये मैं आपको बताता हूँ कैसा टेक्सचर है, चिपक रहा है, वो अजीब सा चीजी है। 1 लाख का लाइक टारगेट अगर पूरा हो जाता है तो हम 24 घंटों के लिए बनाएंगे मैगी की वियर्ड वियर्ड रेसिपी, और जस्टिस फॉर मैगी भी लिख देना। मेरे में है लाखों गुण, अब मैं बनाऊंगी पराठा फ्रॉम गुलाब जामुन। भाई साहब ऐसी रेसिपी बना रही है कि आप देख के एक हफ्ते तक पराठे खाने ही छोड़ दोगे। मुझे ना मीठे पराठे बहुत पसंद है। अच्छा, चीनी वाले स्पेशल। अच्छा, और मैं हूँ मीठे की शौकीन। ऐसे ही लोग हैं वो जिनकी वजह से ऐसा पराठा बना है। गुलाब जामुनों को स्टफ कर रहे हैं। थोड़ा अत्याचार कर रहा है, एक मेरे को दे दे एक तू खा ले। यार इसको गुलाब जामुन क्यों बोलते हैं, ये तो गुलाबी रंग का है भी नहीं, ये तो जामुन भी नहीं है। मुझे पता है स्वाद नहीं बनेगा, थोड़ा मेरे को ऐसे ही होता है, शादी के बाद आपकी कभी नहीं चलती है, बीवी की चलती है। अब हम इसका करते हैं मुंह बंद। ओए जैसे मेरा किया हुआ है, बिल्कुल सही। मुझे लगा मेरी बीवी किचन में एक्सपर्ट है, पर नहीं, वो मेरे से भी 2 कदम आगे है। तेरे को डर नहीं लगता है। देखो सिर्फ रो लोग ही ये घर पे ट्राई करे, मेरे को लग रहा है मैंने गुलाब जामुन ज्यादा डाल दिया, एक ही डालना चाहिए। हवा निकल गई। प्लीज मेरे मुंह पे मार दो चांटा फॉर मेकिंग दिस गंदा सा पराठा। मतलब ऐसा पराठा बनाए कि मेरा डेकोरेशन करने का भी मन नहीं किया। डेकोरेशन तो मेरी बेस्ट थी क्योंकि मेरी डिश सबसे गंदी थी। बढ़िया था। तो खा के देखते हैं क्या बनाएंगे। नहीं यार इसके अंदर थोड़ा जहर डाल देती, अच्छा लगता। गुलाब जामुन मीठा कम था क्या, फीके लग रहे हैं मुझे ये। मीठे कितनी लग रहे हैं। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं चीनी वाली परौंठी के साथ। Exactly. तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, अपनी मम्मी को बोलो चीनी वाला पराठा बना दो, और ऐसा भी नहीं कि गुलाब जामुन को कुछ और ही फ्लेवर आ रहा है या कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आ रहा। भाई साहब इस परौंठे पे इतना ज्यादा देसी घी लगा दिया हमने, फिर भी जाके देसी घी का फ्लेवर भी नहीं आ रहा, स्वाद नहीं बनाई। नहीं देखो इससे बढ़िया ये है, अब परौंठा खाना अचार के साथ, दही के साथ, मक्खन के साथ, और उसके बाद गुलाब जामुन खा लेना, बेस्ट है ये, कभी मत करना। यस, आजकल आधी जनता फेमस हो रही है हिला के इंस्टाग्राम पे अपनी बूटी। आज हम बनाएंगे तरबूज से टूटी फ्रूटी। ये कैसा तरबूज आया है भाई साहब, तरबूज यूजली गोल होता है, ये स्पेसशिप कहाँ से लेके आ गया। इसका यूसेज मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होने वाला है। तरबूज हम सब खा लेते हैं बट उसका छिलका हम हमेशा कचरे में फेंकते हैं। तो अभी चेकआउट करते हैं क्या इससे टूटी फ्रूटी बन पाएगी, और अगर बन पाएगी क्या वो स्वाद होगी।
भी टेस्ट करो। पहले वाटरमेलन को खाना है, बाद में सोचना है कि ये बचे हुए का क्या करना है। हमारा कैमरामैन भी शामिल हो चुका है वाटरमेलन पार्टी में। यार देखने बड़ा स्वाद लग रहा था। और भी मेहमान आ चुके हैं यहाँ पे वाटरमेलन पार्टी में। तो वाटरमेलन हमने देखो सारा खा लिया है, अब बच गए इसके छिलके। क्या करें छिलकों का? इसके हैक में ये बताया जा रहा है वाटरमेलन में कोई भी वेस्टेज नहीं है, बस थोड़ा सा छिलका जो है वो रिमूव करना है। ऐसे करके हमने इसका छिलका उतार लेना है पीछे से। अब इसको हमने काटना है छोटे छोटे, जैसे टूटी फ्रूटी के स्क्वायर क्यूब्स होते हैं ना, वैसे काटना है हमने इसको। अब हमने छिलकों को काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। इसने भी नहीं कभी सोचा होगा इसको इतनी इज्जत मिलेगी कभी। अब हम इसको करेंगे बॉयल थोड़ी देर तक, जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। ये जो अपना छिलका था ना, इसका सारा का सारा मेकअप जो है वो उतर चुका हुआ है। अब इसको हमने अलग से बोल में रख लेना है। एक तेरी आंख काशनी, उत्तो बनावांगे अपन चाशनी। तो चाशनी बनाने का तरीका कुछ इस तरह होता है कि आप पानी लेते हो, उसमें डालते हो शुगर, खूब सारी शुगर, और उसको कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो, पानी उड़ने देते हो, एंड में चाशनी बच जाती है। सर जी आपकी चाशनी हो गई है रेडी। थैंक यू। मैंने बंदा असिस्टेंट रखा है स्पेशल, उसे कपड़े डलवाए मैंने हरे रंग के। चलो भाई इसमें डालते हैं अब हम अपनी क्या आई, आई, हा, हा, हा। ये तुम्हारी साजिश है। तो जी अपने जो छिलके हैं वो चाशनी में जा चुके हुए, इसके बाद पड़ा है सिर्फ एक ही प्रोसेस जो इसको कंप्लीट करेगा। तो जी फाइनली अपना चाशनी में से निकल गया है मामला, दिखने में तो अच्छा लग रहा है मुझे। हम इसको दो अलग अलग कटोरियों में डाल रहे हैं क्योंकि हम दो अलग अलग रंग की टूटी फ्रूटी बना रहे हैं। एक में हम डालेंगे हरे रंग की फूड कलरिंग और दूसरे में हम डालेंगे लाल रंग की फूड कलर। ओ ज्यादा लाल होगी। ये तो ऐसा लग रहा है चुकंदर है। चुकंदर को चाशनी में से निकाल के डालो। हम एक वीडियो बनाएंगे तरबूज के छिलकों से बनाई। सॉरी दिखने में तो टूटी फ्रूटी से सिमिलर लग रहा है। पता है ना किस चीज से बना, तो हमारे दिमाग में वही रहेगा। क्या हुआ, कैसा लग रहा था? टूटी फ्रूटी से अलग टेस्ट भी है, थोड़ा सा उसके जैसा भी है। मतलब वो जो कचकच है वो टूटी फ्रूटी वाली है, क्रंची तो है। मतलब ये यूज किया जा सकता है यार, आइसक्रीम वगैरह के ऊपर डाला जा सकता है, मैंगो शेक के ऊपर डाला जा सकता है। अगर हम इसके बनने के बाद इसमें वनीला फ्लेवरिंग या हेजलनट फ्लेवरिंग कुछ ऐड कर ले तो अच्छा लगेगा। ये हैक अच्छा था, दिस वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग हैक। तो गाइस अपने घर पे पड़े हुए तरबूज का सिर्फ अंदर वाला पार्ट नहीं, बाहर वाले पार्ट को भी आप टूटी फ्रूटी बना के खा सकते हैं। अगला जो मैं आपको हैक बताने दिखाने जा रहा हूँ उससे आपको पता लग जाएगा कि अंडे को किस तरीके से तोड़ते हैं। आज तक आप अंडे को गलत तरीके से तोड़ रहे थे। अंडा पकड़ो, तुम बताओ तुम कैसे तोड़ते हो? मैं तोड़ती हूँ ऐसे। तुमको ज्यादा ही गलत तरीके से तोड़ते हो। पागल हूँ। नॉर्मल इंसान जो है ना वो अंडे को ऐसे तोड़ते हैं। ये भी अब नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल इंसान जो है ये ऐसे करते हैं और ऐसे तोड़ते अंडे को। नहीं यही ठीक तरीका है। नहीं 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 ये नहीं हो सकता। मैं बताऊंगा अंडे को कैसे तोड़ते हैं। ये देखो ये अंडा है, ये तवा है, तो ये देखो अंडा यहाँ से पकड़ना है। सच में काम कर गया वो, सच में काम कर गया। ये तो मैजिक है। एक भी छिलका जो अंडे का यहाँ पे नहीं है। इट वर्क्स। आदत सी पड़ चुकी है मुझे घर पे खाने की डांट। वाह, आज मैं बनाऊंगी कटोरी चाट। डांट और चाट ये कैसी रही हुई भाई? अपना मुंह बंद रख। मुक्ति तेरे सिर पे पड़ेगी जोर से सोती, अगर बर्बाद करी तूने ये प्यारी सी रोटी। ये हैक एक्चुअली जो है वो बची रोटियों का ही। हाँ। कि अगर घर पे रोटी बच जाए तो आप उसे वेस्ट ना करें, आप उसे कन्वर्ट करें चाट में। तो देखते हैं चाट ये वर्थ इट होने वाली है या नहीं होने वाली। नहीं। लोग ऐसे ऐसे आइडियाज निकालते कहाँ से हैं? मुझे क्या पता। हम रोटी वोटी खा के डकार मार के सो जाते हैं, एक्स्ट्रा रोटी बचती है हम वो भी खा लेते हैं। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि एक्स्ट्रा रोटी की चाट कैसे बनाएं। ये भी मेरी गलती है। कटोरी चाट बनाने के लिए आपको बची रोटी को ऐसे रखना है, अपने गिलास के ऊपर इसको ऐसे लपेट देना। गलती से भी ना आप इस रोटी को रबड़ बैंड से मत बांध देना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। ये हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा। तो मेरे को हैंड पकड़ा। सक्सेसफुल हो रहा है मुक्ति। गोल घुमा कस उसको कैसे? अरे यार
6.5 hours later. निकलेगा? अरे निकल जाएगा. नहीं निकलेगा. अरे निकल जाएगा. अगर मुझे ये करना पड़े ना बची रोटी के साथ, मैं कभी ना करूँ. सबसे मुश्किल काम है इसको इस तेल के अंदर रख के उसको तलना. इतना क्यों डर रही है? पता नहीं क्यों. डर तो ऐसे रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया. ये मुक्ति ने तब से डरना शुरू किया जब से इसने एक बार किचन में अपने ऊपर छींटे गिरवा लिए थे. हाँ, तेल के. ओ भाई साहब, भाई क्रिस्पी तो हो गई है यार. ग्लास में पानी इसके ऊपर रखी. यार सच्ची बताऊं, ये हैक बहुत रिस्की है. बहन डर गई. अब बारी आ चुकी है अपनी रिबन कटिंग सेरेमनी की. तालियां मुक्ति मैम. इकट्ठा हो गया है पूरा शहर. मुक्ति ने ढा दिया है कहर. क्या बात है. और अंदर से पूरा रोटी जैसे दिख रही है. मुक्ति रोटी को ही फ्राई किया तूने. रोटी जैसी दिखेगा ना. यार वैसे क्रंची तो जो हमारा बेस है वो हो चुका है. अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्जियां जिसमें मैंने लिया है प्याज, शिमला मिर्च और थोड़ा सा कुकुम्बर. अब इसको कर देंगे मिक्स. डालेंगे नींबू, नमक और चाट मसाला. सब्जियों को हम डाल देंगे इस कटोरी में. ओए, 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 ओए. अब हम इसके अंदर डालेंगे दही. क्या बात है. अब हम इसके अंदर डालेंगे मेरी फेवरेट चटनी, इमली की चटनी. इसको क्रंच देने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे नमकीन. अब इसको खा के देखते हैं कि इसको कितने नंबर मिलने वाले. ये अगर आपने अपने रिश्तेदारों के लिए बनाई ना तो इम्प्रेस तो जरूर होने वाला है. गेस्ट ये बोलेगा बची हुई रोटी दे रहे हो मेरे को. मेरे ख्याल से ये एकलौती चीज है जो देखने में बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है. सही बात है. और खाने में कैसी लग रही है पता नहीं. तली हुई रोटी नहीं खानी तो अंदर अंदर से खा लो. पर उसका भी एक नुकसान है, रोटी तो फिर वेस्ट होगी. इतनी मेहनत करने का फायदा ही क्या हुआ. जो बड़े बड़े गोलगप्पे खा सकते ना सिर्फ उनके लिए है शायद ये. पहले खाओ. तेल का दही का पानी में रख दे. तो डिफिकल्ट टू ईट. पर अच्छी लग रही है रोटी. सच्ची में अच्छा लग रहा है. मुक्ति क्या चाट बनाई है. मैंने नहीं बनाई, मैं तो कॉपी की है. रोटी सच में अच्छी लग रही है यार. अच्छी लग रही है रोटी तो. खा. अच्छी लग रही है. ऐसा लग रहा है कुछ अलग तरह का टाको खा लिया. नॉट बैड यार. दिस इज नाइस. दिस इज वेरी गुड. फूडी मैंने हर जगह पा रखा है रोला. क्या बात है. अगर आप नहीं हो पा रहे सुबह सुबह फ्रेश तो बना लो ड्रिंक मेड फ्रॉम हाजमोला. मैंने कभी नहीं सोचा था इस हाजमोला से भी कोई ड्रिंक बन सकती है. एक लेना ये पीसने वाला जिसमें चीजें पीसी जाती हैं, उसमें डालनी है हमने 5-6-8-10 हाजमोला. जितनी आ जाएगा चक्कर में. बस ज्यादा भी नहीं डालनी यार. 2-3 हाजमोला खा लो स्मेल आने लग जाती है पान में. इसका पान भूसे को दिख लाए. पान में ऐसे होता है. पान में और वो डकार होता है. भूसे निकलता है यार. इतनी हाजमोला से तो बहुत बुरा हाल होने वाला है. तो ये हमने जो चूरा बना लिया इसको हम डाल देंगे ग्लास में. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना. पुदीना डाल दिया. इसमें हम डालेंगे नींबू. अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी बर्फ. इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी. थोड़ी सी रह गई, खत्म होने वाली है. अच्छा. ये सच्ची में थोड़ी सी डालेंगे. ठीक है. और इसमें हम डालेंगे सोडा जिसको हम स्पार्कलिंग वाटर भी कहते हैं. ओह क्या गुलगुले उठे भाई साहब. अगर ये ड्रिंक कामयाब होगी ना तो जीरा पीना छोड़ दूंगा, यही पिया करूंगा. अब हम डाल देंगे इसके अंदर सोडा. हिलाना भी है उसे. हिलाएंगे अभी. स्टारबक्स की चुराई हुई स्टॉल. वो देखो बुलबुला बन गया ऊपर. इसको हिलाओ. यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, वहां पे जाके सेटअप करेंगे तब तक इसका सोडा निकल जाएगा. जल्दी बोल. ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा है. इसमें चीनी ना डालते, पुदीना ना डालते, नींबू ना डालते तो भी यही टेस्ट आ रहा था. हाजमोला का बस लिक्विड वर्जन हो गया ये. बट ठीक है, तो मानते हो किसी को ना बनाना आता हो कुछ भी तो ये बना सकता है वो. मुक्ति बता दे कैसी बनी. मुझे तो अच्छी लगी, रिफ्रेशिंग लगी. अच्छी है ना. अच्छा है. मतलब हाँ. कि अगर आपको नॉर्मल नींबू पानी नहीं पीना है, उसको थोड़ा टेस्ट और फ्लेवर देना तो आप कुछ हाँ. ये हाजमोला डाल. अच्छी वियर्ड रेसिपी है ये. सच्ची हाँ, हाँ, हाँ. सबने सुना है बुल्ला. मैं बनाने लगी हूँ चाय रसगुल्ला. देखो जी, पहले बनती थी चाय ऑन चूल्हा. नया नया आया है मार्केट में चाय विद रसगुल्ला. क्या बात है. देखो मेरे को मीठा बहुत पसंद है तो मुझे बड़ा मजा आता है मीठी चीजों को ऐसे फालतू में एक्सपेरिमेंट करके देखना. लेट्स ट्राई. वैसा मीठे के दीवाने जो है. हा. ये होता है असली स्वाद. मेरे लिए पता क्या होता है, ये ऐसे पकड़ो. ये खाने के लिए नहीं है. ऐसे मत करो. A few moments later. ये स्वाद है. बहुत टेस्टी है यार. We'll be right back.
लाइमी चीनी डालूं या नहीं डालूं? नहीं डालो, बाद में देख लेंगे अगर फीका खत्म हो जाएगा। ये रस डाल दूं? मजा तो तभी आएगा ना। ये रहा अपना रसगुल्ला। अभी आप देखो चाय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा इसके अंदर रसगुल्ला है। ये मैंने देख लिया जो मीठे वाले लोग हैं ना, मीठा खाना है। मत कुछ अत्याचार किया गया चाय पे और ये इसको आनंद से पी रही है। कैसे है? सोच रही हूँ अभी एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ मैंने क्या खाया और क्या पिया। शरीर कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो गया। नॉट बैड बट इसका कोई तुक नहीं है। हाँ, मतलब इसको ना खा सकते हो, इसको ना पी सकते हो। देखो जिनको मीठी चाय अच्छी लगती है उनके लिए तो ठीक है, पर एक बार रसगुल्ले का भी टेस्ट लेके देख लूं मैं। बस खा के सारा खा के मेरे लिए छोड़ो। इसको मैं नंबर पूरे दूंगी। इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। इससे भी गंदी चाय पी हुई है मैंने, इसलिए कह रहा हूँ ठीक है। तो इट इज ऑफ नो यूज, नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। और अब चलते हैं ओंकार की वियर्ड रेसिपी पे। आदित्य और मुक्ति की वियर्ड सी रेसिपी तो मैंने कर ली है ट्राई। अब जो वियर्ड रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ ना, मुझे उस पे पूरा भरोसा कि वो होगी स्वाद। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जा रही है जी पल्स। ये है जी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। इसके जैसी टॉफी आजकल ना बनी है ना बन पाएगी। सही बात है। पल्स ने ना एक तरह से मार्केट हिला दी थी। पल्स की टॉफी लेनी है, मुंह में डाल देनी है, उसके बाद दूसरी टॉफी लेनी है, वो अपने साथी के मुंह में डाल देना, ये भी ना बोले कुछ। उसके बाद और पल्स की टॉफी लेनी है, ये किसी के मुंह में नहीं डालनी है, ये यहाँ डालनी है। जो वीडियो थी उसमें उन्होंने सिर्फ दो पल्स डाली है, बट हम ना पल्स के सॉरी मैं पल्स नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को ना पिछली आज बोल ली ड्रिंक पी के जलन हो गई है। जो रेसिपी थी उसके अंदर सिर्फ दो पल्स थी, पर हम ज्यादा डालेंगे क्योंकि हम पल्स के एडिक्टेड हो चुके हुए। दो पल्स में हमारा कुछ नहीं होता, हमारा पैक मोटा होना चाहिए। तो इसमें हमने चार पल्स डाल दी हुई है। अब इन चार पल्स का करना है आपने बेरहमी से मर्डर। पल्स का बना देना है चूरा, ना रहे कुछ अधूरा। अब हमने बनाना शुरू कर देना है नींबू पानी। ओहो, नींबू पानी बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है नींबू। क्या बात बोली है लड़के ने। नींबू को करना है निचोड़, ना है कोई मेरा तोड़, दूंगा मैं नींबू को निचोड़। ध्यान से आगे आ रहा है मोड़। ओहो हो हो, ना मारो तुम इतनी चोड़, तेरी फिंसी दूंगा मैं फोड़। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब जो ये हमारा नींबू का रस है ना, इसके अंदर हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर। ठीक है, पाउडर्ड शुगर, नॉर्मल शुगर नहीं, पाउडर्ड शुगर बस बहुत है। अब इसको कोल मोल कर देना है ऐसे। यू वांट टू स्मेल? नो थैंक यू। तुम्हें पचेगी दी एसिडिटी के मरीज। आफ्टर द कोल मोल का प्रोसेस हम उठाएंगे अपनी पल्स कैंडी का चूरा और उसको डाल देंगे अंदर। वाओ भाई साहब, ऐसा हरा रंग आया है जैसे कि गाड़ी का कूलेंट होता है ना वैसा, कार की टी-शर्ट जैसा। हरा रंग किसने? चुप, बिल्कुल चुप। देखो ड्रिंक बनी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर इट हैज। हाजमोला वाली से पता नहीं क्यों बेटर है, ऐसा लग रहा है चीनी वाला पानी पी रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पल्स का सेंस डल गया हुआ है। मुझे हाजमोला से भी बेटर लग रही है। ये पल्स की बर्बादी है, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। इसमें तो कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा। नहीं, नहीं ये तो इसको हम करेंगे डू नॉट ट्राई दिस एट होम। मुझे लग रहा था ये ज्यादा अच्छी बनेगी, पर नहीं बन पाई यार। इतना अच्छा बारटेंडर जो है वो भी नहीं बना पाया इसको अच्छा, तो ये हो गया फिर। और इसी के साथ आज की वीडियो हम करते हैं खत्म। अब आपको करने रीति रिवाज पूरे, जिसमें आपको करना तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर एंड कमेंट एंड इंस्टाग्राम पे मुक्ति गौतम को फॉलो करना मत भूलना। चलो चलो चलो।